हमारे प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रोडवेज के सारे कर्मी यहां भूखे और प्यासे पत्थर गिरजाघर के सामने खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार गौड़। तो आप रोडवेज कर्मी हैं? जी जी। तो आप लोग कब से हैं यहाँ ड्यूटी पर? ड्यूटी पर तो अभी 2 घंटे 10-11 बजे से आ गए हैं। आप लोगों को सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं? नहीं, ये रोडवेज कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि न तो इनको सैनिटाइजर मिला है, न मास्क मिला है, न ग्लव्स मिला है। ये अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएं?